बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सिरप के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आप बच्चों में एलर्जी और बुखार दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। तो इस सिरप में पैरासीटामोल और क्लोरफिनिरामीन पाए जाते हैं। तो पैरासीटामोल एक पेन किलर और एंटीपायरेटिक भी है, मतलब बुखार को भी कम करता है, जबकि क्लोरफिनिरामीन एक एंटी एलर्जिक इंग्रेडिएंट है। तो ये सिरप आपको टेम्परामीन के नाम से मिल जाता है और पेड्रोल के नाम से मिल जाता है। तो इन नामों से आप इसे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से परचेज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें पैरासीटामोल और क्लोरफिनिरामीन ये दोनों इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, तो बुखार और एलर्जी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर बच्चे को बुखार के साथ साथ नज़ला ज़ुकाम हो या छींकें आती हों या फिर आँखों में ख़ारिश होती हो, आँखों से पानी बहता हो, तो इस तरह के मसले हों या किसी किस्म की एलर्जी हो साथ बुखार के, तो आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो एक साल से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों में इसकी एक चम्मच दिन में 3 मरतबा दी जाती है और 6 से लेकर 12 साल तक की उम्र के बच्चों में इसकी 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा दी जाती हैं। तो बच्चों में ये इसकी डोज़ है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो अगर इसकी रिकमेंडेड डोज़ के मुताबिक इसे इस्तेमाल किया जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम नज़र आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गनूदगी का मसला बन सकता है और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है, यानी कब्ज़ हो सकती है। तो एज सच इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।